हमारे साथ कुमार अभिषेक भी मौजूद हैं, हमारे साथ अरविंद भी हैं और हमारे साथ संतोष भी प्रयागराज से मौजूद हैं। कुमार अभिषेक, रवीश पाल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवीश, क्या जानकारी, क्या रहने वाला है ये रूट? देखिए अर्पिता, ये तो बिल्कुल संशय बना हुआ है अभी भी कि अतीक को किस रास्ते से प्रयागराज ले जाया जाएगा। देखिए दो रास्ते हैं जो संभावित रूट है। एक पहला रास्ता है अहमदाबाद से उदयपुर, कोटा, शिवपुरी होते हुए झांसी और फिर प्रयागराज की ओर, और दूसरा जो रास्ता है जिसमें बहुत ज्यादा संभावना जताई जा रही है वो है अहमदाबाद से झाबुआ और उसके बाद इंदौर, गुना, शिवपुरी होते हुए झांसी। ये दो रास्ते हैं और आपको बता दें दोनों ही रास्तों में समय बराबर ही लग रहा है, करीब करीब 13 से 14 घंटे का समय लग रहा है इस रास्ते को क्रॉस करने में, भले ही वो अहमदाबाद से मध्य प्रदेश होते हुए निकले या फिर अहमदाबाद से राजस्थान होते हुए निकले। तो ऐसे में दोनों ही जगहों पर अगर देखा जाए तो अलर्टनेस जो है वो बढ़ी हुई है। हालांकि अभी किसी को ये नहीं पता है कि वो किस रूट से आएगा, वो काफिला किस रूट से आएगा, क्योंकि अभी उदय अहमदाबाद से वो जरूर निकले हैं लेकिन अहमदाबाद से प्रयागराज के लिए जो दो रास्ते हैं दोनों ही जगहों पर एक तरीके से देखा जाए तो संवेदनशीलता को देखते हुए तैनाती है। कहीं ना कहीं पुलिस खुल के भले ही कुछ ना बोल रही है लेकिन हमारी जो सूत्रों से बात हुई है उनके मुताबिक वो अलर्ट मोड पर है। जैसे ही उन्हें रूट का टाइम मिलेगा वो वहां पर तैनात हो जाएंगे। देखिए आपको बता दें कि अगर ये मध्य प्रदेश वाले रूट से आते हैं तो उनके लिए ज्यादा मुफीद रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा राज्यपाल, अगर राजस्थान से आते हैं तो उन्हें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेट मिल जाएगा। अगर वो अहमदाबाद से आते हैं उदयपुर के होते हुए तो फिर उसके बाद उन्हें आगे निकलना पड़ेगा, उदयपुर एक राजस्थान पुलिस लग जाएगी, उसके बाद शिवपुरी पड़ेगा जहाँ पे फिर मध्य प्रदेश पुलिस का उन्हें साथ लगेगा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का झांसी लग जाएगा। लेकिन अगर ये अहमदाबाद से झाबुआ वाला रूट पकड़ते हैं तो झाबुआ से लेकर शिवपुरी तक मध्य प्रदेश पुलिस ही रहेगी। जिले जरूर बढ़ जाएंगे, झाबुआ के बाद धार जिला पड़ेगा, फिर इंदौर जिला पड़ेगा, उसके बाद देवास, फिर राजगढ़, गुना, शिवपुरी और फिर झांसी। तो दोनों ही रूट है, पुलिस अपनी तरफ से खुलकर सामने कुछ नहीं कर रही है लेकिन पुलिस ये मान के चल रही है कि वो किसी भी रूट से लाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है, बस उन्हें इंतजार है आदेश का कि वो उन्हीं के रूट से निकल रहा है काफिला जो है अतीक का, वो उसी रूट से निकल रहा है या नहीं। हम भी अभी आगरमालवा के पास है, यहाँ से राजस्थान भी पास पड़ता है, यहाँ से मध्य प्रदेश का वो रास्ता भी पास पड़ता है जहाँ से अगर लेकर के उसे निकलते हैं तो उस काफिले की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, इससे पहले अतीक के करीबी गैंगस्टर का एनकाउंटर भी हुआ था, पैर पे जब गोली लगी थी, कुमार अभिषेक, वो तस्वीर भी हमने देखी है और इसको इसीलिए शायद डर भी सता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बयान भी आ रहे हैं कि भाई हादसा हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है, वो तो हादसा है, हादसे को कौन देख रहा है। लेकिन इस मामले में तो और ज्यादा, क्योंकि कोर्ट में ये मामला है, 28 तारीख को उसको कोर्ट में पेश होना है, तो मुस्तैदी तो पुलिस को और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी कि कहीं गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। निश्चित तौर पर देखिए, गाड़ी पलट सकती है, एनकाउंटर हो सकता है, इसकी गुंजाइश थोड़ी कम है। इसलिए कम है क्योंकि अतीक अहमद को इस बार अदालत में पेश करना है। अगर आप विकास दुबे का एनकाउंटर याद करें तो उस दौरान उसे पुलिस अपने कस्टडी में लेकर के आ रही थी और उसे पुलिस रिमांड पर लाना था, तब ये हादसा हुआ या एनकाउंटर हुआ। लेकिन इस बार तो बकायदा कोर्ट के आदेश को लेकर के जो प्रयागराज की पुलिस है कोर्ट का वारंट लेकर के गई है और बकायदा वहां से उस वारंट को दिखा करके कि 28 तारीख को इसे अदालत के सामने खड़ा करना है क्योंकि इसका फैसला होना है, इसे सजा मिलनी है, इस पर कोई ना कोई सजा आना है। यही बात बरेली में भी है जहां उसका भाई अशरफ बंद है और उसके लिए भी कल पुलिस की टीम करीब 10-11 बजे वहां से भी लेकर के निकलेगी। देखिए जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है। उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों ने ये सारी बातें कही हैं लेकिन चूंकि इस बार ऐसे मामले में सजा हो रही है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट भी अपने आप में फांसी की सजा है और दूसरी बात कोर्ट का भी सीधा कमिटमेंट है कि उन्हें लाओ और ला करके पेश करो, ऐसी स्थिति में इसकी गुंजाइश बेहद कम है कि क्या कोई हादसा रास्ते में होता है या कोई एडवेंचर पुलिस करती है, इसकी गुंजाइश कम है। जो मेरी बात हुई है पुलिस सूत्रों में, उनका भी कहना है कि सीधे उनसे लेकर के, और जिस तरीके का बताया जा रहा है कि 45 पुलिसकर्मी लगे हैं, करीब करीब 15 गाड़ियां हो सकती हैं जो अलग अलग जगहों से उसको स्कॉर्ट करेंगी, 3-3 राज्यों की पुलिस है। गोपी ने भी कुछ देर पहले बताया था कि बकायदा जो गुजरात की पुलिस है वो अपने बॉर्डर तक लेकर के आएगी। अगर राजस्थान में राजस्थान से ये काफिला गुजरता है तो कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस का भी इसमें
इन्वॉल्वमेंट होगा, वो अपने बॉर्डर से जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर है वहां तक लाएगी, तो कई राज्यों की पुलिस इसमें लगी हुई है। लेकिन जो एक आशंका है, एक अनहोनी है, उसकी संभावना हमेशा से बनी हुई होती है और इस मामले में भी बनी हुई। ठीक है रवीश, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो, रवीश आवाज आ रही है? हाँ रवीश, क्योंकि इस पूरे मामले में, क्योंकि ये सफर जो है वो लंबा है, 36 घंटे तकरीबन अगर नॉनस्टॉप चलते हैं तो करीब 30 घंटे कोई भी रूट ले, तकरीबन समय लगभग आसपास इतना ही लगने वाला है, तो क्या क्या रहने वाला है? क्या बिना रोक के गाड़ी चलने वाली है या कहीं, क्योंकि ये भी रिस्क नहीं लिया जा सकता है कि आप कहीं कहीं रोक कर फिर गाड़ी आगे बढ़ाएं, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, तो किस तरीके की प्लानिंग हो सकती है इस बाबत? बिल्कुल सटीक सवाल है अर्पिता आपका, और मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ साल पहले उज्जैन से जब उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे पकड़ाया था, तो उसके काफिले को भी मैंने फॉलो किया था, उसका पीछा किया था। तो सुरक्षा की जो आपने बात की, ये वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जब ऐसे गैंगस्टर को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया जाता है। विकास दुबे की गाड़ी को जब हम फॉलो कर रहे थे तो रास्ते में उसकी गाड़ी को सिर्फ एक जगह चाय के लिए रोका गया था मध्य प्रदेश के अंदर, और एक जगह जब काफिले की गाड़ियों में डीजल डलवाना था। इसके अलावा जब उज्जैन से विकास दुबे को लेकर के निकले थे तो वो गाड़ी पूरे रास्ते सिर्फ दो ही जगह रुकी और वहां पे चंद मिनटों का ही इंतजार जो है वो रहा था, और उसके बाद वो गाड़ी सीधे उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हो गई थी। रात भर हमने उस काफिले को फॉलो किया था। अतीक अहमद की भी जब हम बात करें तो देखिए ये उससे कहीं ज्यादा लंबा सफर है, और जाहिर सी बात है कि पुलिस को लेकिन अभी समय है, क्योंकि 28 तारीख को उसे पेश करना है, तो अभी दो दिनों का समय है। तो ऐसे में माना जा रहा है, क्योंकि रात का सफर और लंबा सफर है, पुलिस की जो टीम आई है वो भी जाहिर सी बात है एक लंबा सफर तय करके अहमदाबाद पहुंची है। तो ऐसे में जब वो वापस अहमदाबाद से निकलेंगे और लेकर के निकले हैं, तो माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं हो सकता है या तो रिफ्यूलिंग के लिए गाड़ी रुकेगी या फिर थोड़ी सी देर आराम के लिए 5 से 10 मिनट का सफर जो है, क्योंकि हो सकता है वो समय दें। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि अगर देखा जाए तो देखिए पुलिस कर्मी साथ में सैकड़ों की संख्या में तैनात भी रहेंगे, ये तय है। अतीक अहमद को ऐसे बिना सुरक्षा तामझाम के तो नहीं ले जाया जाएगा, ना रोका जाएगा बहुत देर तक। तो ये जरूर तय है कि सफर लंबा है, तो कुछ देर आराम के लिए या फिर पैर ठीक करने के लिए, या फिर एक होता है जो लंबे दूरी तक चलते हैं तो बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, उस थकावट को दूर करने के लिए कुछ मिनटों का हो सकता है कहीं पे वो आराम करें। लेकिन इसके अलावा गाड़ी बहुत ज्यादा कहीं रुकेगी इसकी संभावना ना के बराबर है। माना यह जा रहा है कि रिफ्यूलिंग के लिए जरूर कहीं ना कहीं सफर में उन्हें जरूर रास्ते में कहीं रुकना पड़ सकता है, या फिर उसके अलावा अगर कहीं हो सका तो बमुश्किल एक या दो जगह रुकेंगे, उसके बाद फिर वो रवाना हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के लिए। कम से कम राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा इंतजार वो करें, गाड़ी को रोके, इसकी संभावना ना के बराबर है। कुमार अभिषेक, क्योंकि जो प्रक्रिया है, टीम सुबह ही पहुंच गई, किसी को कुछ पता नहीं चला कि एक टीम जाने वाली है, कितने लोग जाने वाले हैं, कब लाया जाएगा, कौन सा रूट होगा, ये सब बहुत गोपनीय तरीके से रखा गया, स्वाभाविक सी बात है सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन क्या ये प्रोसेस आपको लगता है डिले हो गया? कोशिश थी कि और पहले अतीक को निकाल लिया जाए जेल से, लेकिन वो फॉर्मेलिटीज होने में, वो प्रक्रिया होने में लेट हो गया और थोड़ा लेट हो गया। और अगर वैसा है तो वो बैकअप प्लान भी पुलिस के पास होगा, क्योंकि रात का सफर, क्योंकि आप 5:45 निकल रहे हैं, पूरा सफर आपका रात का लगभग होने वाला है, तो वो अपने आप में एक चुनौती है। या आपको लगता है यही प्लानिंग ही रही होगी कि तकरीबन इसी वक्त पे निकल लीजिए, आगे आसान रहेगा? क्या आपको लगता है क्या रणनीति रही होगी पुलिस की? देखिए मेरा मानना है कि बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से यूपी पुलिस ने उसे वक्त से निकाला है। ये जरूर है कि किसी को भनक नहीं लगने दी थी पुलिस वालों ने कि वो इन्हें लेकर के आ रहे हैं। हालांकि इस बात की आशंका पहले से थी कि कभी भी अतीक को लाया जा सकता है, लेकिन आज वो जेल पहुंच गए हैं, इसकी भनक उनके जेल के पहुंचने के बाद ही मीडिया को लगी है। आप अगर देखें तो रात में लाने का रिकॉर्ड भी है। अगर आप मुख्तार अंसारी को देखें, जब पटियाला जेल से उन्हें लाया जा रहा था बांदा जेल, तो पूरे रात रास्ते भर वो सफर चलता रहा, और पुलिस के लिए बड़ा आसान है। विकास दुबे को भी लेकर जब आए तो रात में लेकर के चले थे, और सुबह जब वो कानपुर पहुंचे तो उसका एनकाउंटर हुआ। तो रात में लेकर के पुलिस आराम से चलती है, उनके साथ पूरा काफिला होता है, और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पुलिस की प्लानिंग है वो उसके हिसाब से ही उन्होंने प्लान किया था। ये जरूर है कि मीडिया को चकमा देने में वो सुबह से सफल रहे, जब उनको उन्होंने मीडिया को भनक नहीं लगने दी जब तक पुलिस की टीम वहां पूरी तरीके से पहुंच नहीं गई। लेकिन ये प्लानिंग के हिसाब से दिखाई आपको प्लानिंग ठीक है।